नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेंस के लिए। आपने CGL का भी प्री दे लिया है, आपने CHSL का भी प्री दे लिया है और मुक्त हो गए हैं प्री के तामझाम से। हालांकि अभी रिजल्ट ना CGL के प्री का आया है ना CHSL के प्री का है, CHSL के प्री के भी आंसर की भी आएगी थोड़े टाइम बाद। लेकिन जो ये टाइम होता है सबसे क्रूशियल होता है, जिसमें जो लोग मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं उनके पास टाइम गया जो होता है, और जब टाइम गया जो होता है तो वो ज्यादा पढ़ पाते हैं, जो मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा ठीक है, जो पढ़ने वाले और ज्यादा पढ़ पाते हैं तो ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करते, यानी कि उसे नॉलेज भी ज्यादा है, उसे कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है और उसकी सिली मिस्टेक्स भी कम है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया चाहे CHSL वाले हो चाहे CGL वाले, आपको पता है मैथ्स दोनों में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और सेम टाइप का एग्जाम होने वाला है, तो पूछ रहे थे कि मेंस में किस लेवल का प्रश्न आएगा मैथ्स में। ऐसा तो नहीं कि कैट वैट का पूछ ले, हर बार होता है। पिछले 2017 के टाइम से मैंने CGL देना शुरू किया, 17 18 19 20 21 22 23 7 साल से यही पूछा जा रहा है, कहीं कैट लेवल का तो नहीं आ जाएगा। देखो भैया, आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करना, बस 7 साल से कहते आ रहा हूं, 7 साल तक मेरी बातें सही जा रही है। आप CGL 18 CGL 19 CGL 20 CGL 21 CGL 22 इसके मेंस के पेपर कर लेना और सीपीओ का पेपर कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो इतना कर लेना, और इससे एक प्रश्न अगर आपका नहीं होता, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स अभी तक सिलेबस में नहीं था, मतलब इसके साथ प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स दोनों मैंने, मतलब स्टेटिस्टिक्स मैंने करवा रखा है, प्रोबेबिलिटी मैं करवा दूंगा। चैनल पे 100% कंटेंट मेंस के लिए अवेलेबल है, तो आपको मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं करना सिवाय मॉक के और CGL 18 तीन पेपर उसके हैं, CGL 19 तीन पेपर उसके हैं, CGL 20 दो पेपर उसके हैं, CGL 21 एक पेपर उसका है, CGL 22 120 प्रश्न इधर, तो आपके तीन इधर 3 6 2 8 यानी टोटल 1020 प्रश्न बन रहे, 1020 प्रश्न आपको करना है। इस पूरे 1020 को मैंने करवा रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाल दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी 1020 क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी। उसमें से 100 से 200 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप सभी से हो जाएंगे, तो उन 100 200 प्रश्नों को अलग कर लेना और एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ मॉक देना है, और इसके सिवा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना, 10-15 क्वेश्चन आपको हर जगह हर एग्जाम के मिला के मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए 1020 क्वेश्चंस कौन से करने, लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, अभी जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो और वो प्रश्न 1020 करने के बाद मॉक देना। अगर 90 में 90 ना आए मैथमेटिक्स में या आपके एक्चुअल एग्जाम में, दोनों में अगर 90 में 90 ना आए तो कहना, ठीक है। तो आपको बस मेंस 2018 से 22 तक करना है, उसके सिवा कुछ नहीं। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो CGL का जो अपना प्री हुआ है ये भी कर लेना। और एक चीज और बताऊं कि चूंकि आप प्री निकाल के आए हो तो इतना भी तो आपको नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आपको बहुत कुछ आता है, बस इस टाइम को यूटिलाइज करना है। इस टाइम में केवल मैथमेटिक्स पढ़ते हुए जीएस में 12 नंबर आए तो भी कोई फायदा नहीं, तो मैथमेटिक्स के लिए लिमिटेड करो कि अगर मैथमेटिक्स में आपको 90 ना मिलकर 87 मिल जाए तो भी खुश रहो, और बाकी सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करो, जीके में 12 की बजाय 42 लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो बस मैथमेटिक्स वाले जो भी प्लेलिस्ट मैंने बोली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, अभी स्टार्ट कर दो और आप पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद। प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट में भी पिन कर दे रहा हूं।